V1, V2, V3, V4, V5। V1 की भी पहले एक चीज होती है, वो होता है बेस फॉर्म। लेकिन जो तीन है ना, ये महत्वपूर्ण है। तीन इसमें नहीं, क्या पांच प्रकार है तीन में, V1, V2, V3 में। जैसे A, B, C तीनों अलग अलग। दूसरा प्रकार है A, B, B। तीसरा प्रकार है A, A, B। चौथा प्रकार है A, B, A। और तीनों तरीके हैं A, A, A। हमको सबसे डिफिकल्ट जाने वाला वर्ब है ई रेगुलर वर्ब, अनियमित क्रियापद, ठीक है। दूसरा प्रकार है रेगुलर वर्ब, क्या है उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करते समय सिर्फ डी या ईडी लगता है। जैसे डिटरमाइन शब्द है, समझो डिटरमाइन ठहरवने है, इसको सेकंड फॉर्म करेंगे डिटरमाइन डिटरमाइन। एक्सप्लॉइट शब्द है EXPLOIT, एक्सप्लॉइट। देखो अभी यहाँ टी है या आखिरी में ईडी ई नहीं है, तो इसको सेकंड फॉर्म करेंगे ईडी लगता है, एक्सप्लॉइटेड एक्सप्लॉइटेड, प्योर नुक करने। जैसे वर्ड है इमिटेट, इमिटेट यानी क्या होता है अनुकरण करना, तो आखिरी में ई आया है, तो या सेकंड फॉर्म डी थर्ड फॉर्म डी लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ई है तो डी लगता है, जहाँ ऑलरेडी ई नहीं होता वहाँ ईडी लगता है, ठीक है। इंसिस्ट आग्रह धरने है ना, इंसिस्ट, तो या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करने के लिए इंसिस्टेड इंसिस्टेड, आग्रह आग्रह करना, आग्रह धरने, इंसिस्टेड इंसिस्टेड, ठीक है। तो ये तो दिमाग में आ गया होगा कि रेगुलर वर्ब को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करने के लिए एक तो डी लगता है, नहीं तो ईडी लगता है, जिसमें ऑलरेडी ई होता है वह डायरेक्ट डी लगता है। और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वन में कुछ भी करो तुम, तीन काल है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और जिसको भी भाषा पढ़ना है उनके लिए भी तीन ही काल है, कौन से, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये जो V1 है ये प्रेजेंट टेंस है, बराबर है प्रेजेंट। ये V2 है ये क्या है, पास्ट है। और जो V3 है ये है पास्ट पार्टिसिपल। चौथा भी है फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, अरे कंटिन्यूअस नहीं क्या, चालू कार। पांचवा है फिर सिंगुलर वाला, सब्जेक्ट एक ही होता है। देखो मैंने क्या बोला, तीन फॉर्म होते हैं, जिसको भी अंग्रेजी पढ़ना है याद रखो उसको ये तीन फॉर्म को याद ही करना है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्लास का होशियार लड़का रहे या क्लास का सबसे डल लड़का रहे या मीडियम लड़का रहे, उसको तीन फॉर्म याद करना है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो तरीका पढ़ा रहा हूँ कि तीन फॉर्म को दिमाग में कैसे रखने का। ABC का मतलब होता है तीनों अलग अलग है, तीनों फॉर्म सरीके नहीं है। तो मैंने तीन फॉर्म को याद रखने के लिए एक किताब निकाली है, उसका नाम है शब्द रचना। क्या है, शब्द की रचना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड्स फॉर्मेशन, शब्द कैसे तैयार होते है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी वो पढ़ा रहा हूँ ABC, तीनों सरीके नहीं होते हैं और उन तीनों को ही याद करना पड़ता है। कुछ जगह याद करना रटना ही जरूरी है, लेकिन समझ के रटो। ईट मजे खाने, ईट एट ईटन, खाने खाला खालेला, हिंदी में खाना खाया खा चुका। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है, यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। मराठी सांगतो, मी जेवण केले, आय एट फूड, मी जेवण करतो, आय ईट फूड, मी जेवण केले, आय एट फूड, मी जेवण केलेले आहे, आय हॅव ईटन फूड। तर तीन फॉर्म पाठ केल्याशिवाय पर्याय नाही, कारण आपण तीन काळात बोलतोच, ॲम आय राईट रॉंग। आता बघा, फॉल म्हणजे पडणे होते, फॉल फेल फॉलन, तो गड्ड्यात पडतो, ही फॉल्स इन डीच, तो गड्ड्यात पडला, सिंपल पास्ट टेन्स, ही फेल इन डीच, तो गड्ड्यात पडलेला आहे, व गड्डे में गिर चुका है, ही हॅज फॉलन इन डीच। तर फॉल फेल फॉलन, ड्राईव्ह ड्रो आणि ड्रिवन, ड्राईव्ह म्हणजे काय होते, वाहन चालवणे, ड्रो ड्रिवन। जसं मी कार चालवतो, आय ड्राईव्ह अ कार, मी कार चालवली, आय ड्रो अ कार, आणि मी कार ऑलरेडी चालवलेली आहे, आय हॅव ड्रिवन अ कार। तर ड्राईव्ह ड्रो ड्रिवन। मग शब्द आहे फ्रीज, डू यू नो फ्रीज,
फ्रीज म्हणजे जमणे होते. आता पहा FREEZED, फ्रीज म्हणजे गोठणे किंवा जमणे. हिंदी में क्या बोलते हम? जमना. ठीक है, ये FREEZED है. और तुम्हारे घर में जो फ्रीज होता है उसका नाम है FRIDGE, याद रखना. और ये फ्रीज क्या है? FREEZED, उसका सेकंड फॉर्म फ्रोज और थर्ड फॉर्म फ्रोजन. जैसे पानी फ्रीज में जमता है तो वाटर फ्रीजेस इन फ्रीज, है ना. पानी फ्रीज में जमा, वाटर फ्रोज इन फ्रीज, ये सिंपल पास्ट टेंस है. नेक्स्ट लिया ड्रा, ड्रा ना ड्रा, एक सुन लो, लिखना तो है ही नहीं आपको. ड्रा यानी क्या होते हैं? ओढ़ने किंवा काढ़ने, निकालना. जैसे आपको बोलना है सेकंड, हाँ सेकंड फॉर्म है ड्रू और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन. तो ड्रा ड्रू ड्रॉन. फिर वाक्य में रूपांतरित करने का, तुम्हारे दिमाग में रहने के लिए, मैं बुक पे चित्र निकालता हूँ. मराठीत मी बुकावर चित्र काढतो. आय ड्रॉ अ पिक्चर ऑन बुक. और दूसरा मीनिंग है मी विहिरीतून पानी काढतो, मैं कुवे से पानी निकालता हूँ. तो आय ड्रॉ वाटर इनटू वेल, समझा आपको. तो ड्रॉ के दो अर्थ होते हैं, ओढ़ने यानी काढ़ने. तो ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ऐसे तीन फॉर्म याद करने का. बाद में होता है डू, डू म्हणजे करणे. मी काम करतो, आय डू वर्क, डू डिड डन. बाद में चूज म्हणजे काय होते? निवडणे, हिंदी में चुनना. सेकंड फॉर्म चोज है, ए बी अलग है और चोजन, तीनों अलग अलग है. चूज चोज चोजन, निवडणे निवडला निवडलेला. जसं मी इंग्रजी विषय निवडतो, आय चूज इंग्लिश सब्जेक्ट. तुम्ही बोलू शकता मी इंग्रजी विषय निवडला, सांगा बरं. आणि मी इंग्रजी विषय निवडलेला आहे. फॉगेट मीन्स व्हॉट? सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म? फॉगेट फॉगॉट फॉगॉटन. माझा मित्र मला विसरतो, माय फ्रेंड फॉगेट्स मी. फॉगेटला यस लागते कारण सिंगुलर आहे. माझा मित्र मला विसरला, माय फ्रेंड फॉगॉट मी. आणि माझा मित्र मला विसरलेला आहे, माय फ्रेंड हॅज फॉगॉटन मी. फॉगेट फॉगॉट फॉगॉटन, ऐसा याद करणे का, समजा आपको. बताओ बरं फ्लाय याने क्या होता? सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लाय फ्लू फ्लोन. पक्षी आकाशात उडतो, बर्ड फ्लाईज इन द स्काय. क्योंकि बर्ड क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है. बताओ बरं, पक्षी आकाशात उडला, बर्ड फ्लू इन द स्काय. क्योंकि फ्लाय फ्लू फ्लोन, ये तीन फॉर्म होते हैं. ग्रो म्हणजे काय होते? व्हॉट इज सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म? ग्रो ग्रू ग्रो. त्याची उंची वाढते, हिज हाईट ग्रोज. त्याची उंची वाढली, उसकी हाईट बढी. हिज हाईट ग्रू, त्याची उंची वाढलेली आहे. हिज हाईट हॅज ग्रोन. सांगा बरं फॉरबिट. व्हॉट इज सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म? फॉरबिट फॉरबेट फॉरबिडन. फॉरबिट म्हणजे मनाई करणे, हिंदी में मना करना, मना करना, मना किया, मना कर चुका, बराबर आहे. जसं माझ्या आईने मला तेथे जाण्याकरता मनाई केली, माय मदर फॉरबेड मी टू गो देअर. सिंपल पास्ट टेन्स, माय मदर फॉरबेड मी टू गो देअर. ठीक आहे, सांगा बाईट म्हणजे काय ते? बाईट. व्हॉट इज सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म? बाईट बीट बीटन, है ना. कुत्रा मला चावतो, डॉग बाईट्स मी. कुत्रा मला चावला, डॉग बीट मी. सिंपल पास्ट टेन्स, बरोबर आहे का नाही? मग कुत्रा त्याला चावलेला आहे, डॉग हॅज बीटन हिम. बाईट बीट बीटन, डॉग हॅज बीटन हिम, समजा. आता ब्लो, ब्लो म्हणजे काय होते? ब्लो ब्लू ब्लो. ठीक आहे ना, तुम्ही शब्द ऐकला ब्लोन आउट, कॅन्डल इज ब्लोईंग आउट.
म्हणजे कॅन्डल विजत आहे, ब्लोईंग आउट म्हणजे विजणे होते. तसं चोराने वारा वाहतो, जोराने वारा वाहतो, जोर से हवा बहती है. अरे बाबा करता कोण आहे, करता जोराने वारा म्हणजे फास्ट वाइंड ब्लो, जोराने वारा वाहला फास्ट वाइंड ब्लू आणि जोराने वारा म्हणजे फास्ट वाइंड आणि वाहतो म्हणजे ब्लो आणि वाहला म्हणजे ब्लू. समजा आपको बेअर म्हणजे काय, बेअर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बेअर बोर बॉर्न. तो खूप त्रास सहन करतो, ही बेअर्स अ लॉट ऑफ ट्रबल. ट्रबल म्हणजे काय होते, त्रास. त्याने खूप त्रास सहन केला, ही बोर अ लॉट ऑफ ट्रबल. बिगिन म्हणजे काय, बिगिन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म काय, बिगिन बिगॅन बिगन. जसं मी इंग्रजी बोलण्याची सुरुवात करतो, आय बिगिन टू स्पीक इन इंग्लिश. मी इंग्रजी बोलण्याची सुरुवात केली, आय बिगॅन टू स्पीक इन इंग्लिश. अराइज अराइज अरोज अराइजन हे तीन फॉर्म आहे, ठीक आहे. तर आपण म्हणतो ना, माझ्या मनात एक प्रश्न उत्पन्न होतो, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता आहे, कसं सांगा बरं, व्हेरी गुड. वन क्वेश्चन अराइजेस इन माय माइंड, माझ्या मनात एक प्रश्न उत्पन्न झाला. वन क्वेश्चन अरोज इन माय माइंड, ठीक आहे. ब्रेक शब्द आहे, ब्रेक माहिती आहे, ब्रेक मोडणे किंवा तोडणे, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन. जसं सुनो, तू क्लासचा नियम नाही मोडायला पाहिजे, तुम्ही क्लासचा नियम नाही मोडना चाहिए. यू शुड नॉट ब्रेक रूल्स ऑफ द क्लास. तू क्लासचा नियम नाही मोडायला पाहिजे होता, तर यू शुड नॉट हॅव ब्रोकन रूल्स ऑफ द क्लास. ब्रेक ब्रोक ब्रोकन. मग शब्द आहे बी, बी म्हणजे होणे असणे. बी तर सेकंड फॉर्म वाज आणि थर्ड फॉर्म बीन. बी वाजवर आणि बीन हे तीन फॉर्म आहे. तो डॉक्टर असेल, ही विल बी अ डॉक्टर. इथं बी हा बेस्ट फॉर्म आहे, कळलं का. आणि तो डॉक्टर होता, ही वॉज अ डॉक्टर, हा पास्ट टेन्स आहे, कळलं का तुम्हाला. कीप इन माइंड. टेक म्हणजे काय होते, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म. टेक टूक टेकन, जसं तो वस्तू घेतो व चीज लेता आहे. ही टेक्स आहे का, टेक्स सिंपल. ही टेक्स थिंग, त्याने वस्तू घेतली, उसने चीज लिया. ही टूक थिंग, टेक टूक टेकन, टेक टूक टेकन, असं पाठ करा, टेक टूक टेकन, ठीक आहे. स्वेअर मी स्वाट स्वेअर, शपथ लेना. सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्वेअर स्वर स्वार. तो देवाची शपथ घेतो, ही स्वेअर्स ऑफ गॉड. स्वेअर्स, ही स्वेअर्स ऑफ गॉड, त्याने देवाची शपथ घेतली. उसने भगवान की कसम खाया, ही स्वोर ऑफ गॉड. फिर शब्द राइज म्हणून राइज राइज रोज राइजन. सूर्य पूर्वेला उगवतो, सन राइजेस, क्योंकि सन सिंगुलर आहे, थर्ड पर्सन. सन राइजेस टू ईस्ट, सूर्य पूर्वेला उगवला, सन रोज टू द ईस्ट. समजा राइड च्यावर स्वार होणे, राइड रोड रिडन. आपण ना, तो घोड्यावर स्वार होतो, ही राइड्स ऑन द हॉर्स. आणि तो घोड्यावर स्वार झाला, ही रोड ऑन द हॉर्स. तर राइड रोड रिडन, राइड रोड रिडन असे पाठ करा, राइड रोड रिडन. समजा बस. अब देखो दोस्तों, एक तीन पाच छे वर्ड ऐसे पा. ओवरकम, गरिबीवर मात करणे, मात करणे. ओवरकेम ओवरकम. ओवरटेक ओलांडून पुढे जाणे. ओवरटेक ओवरटूक ओवरटेकन. काही नाही, टेक टूक टेकन पाठ करा, त्याला ओवर लावून टाका. असे सात आठ वर्ड आहे, ते तुम्ही तुम्हाला लिस्ट काढून दिल्याच्यावाले. तर आय थिंक इट इज टू मच टुडे. आय होप सो, व्हॉट एवर आय टॉक टू यू, यू हॅव अंडरस्टूड इट, ठीक आहे.